सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट GSM वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर और एक बहुत नई वीडियो ट्यूटोरियल में आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अडोब टेबल स्टोरेज के बारे में। अडोब टेबल स्टोरेज क्या है और हम उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं अपनी सैमसंग डिवाइस में, तो वीडियो को वॉच करते रहिए अडोप्टेबल स्टोरेज के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। यहाँ से प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ टाइप करता हूँ रूट असिस्टेंट, ये देखें एसेंशियल्स, और ये पहले ही जो एप्लीकेशन है आपने इस पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो आपने सिंपली जो है वो स्टोरेज में आना है, क्योंकि आप अडोप्टेबल स्टोरेज, और उसके बाद आपने अडोप्टेबल स्टोरेज पर आना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आ रहा होगा। स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे करें, आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें क्लिक तो अडोप्ट, यानी कि आपने अडोप्ट पर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ से लिखा होगा, मैं अडोप पर क्लिक किया और यहाँ से मैं सिलेक्ट डिस्क करता हूँ, और यहाँ से आपने जो है वो नंबर टाइप करना है, क्लिक ओके करना है। ये देखें मैं टाइप कर रहा हूँ 9756 मैंने टाइप किया, और ये बता रहा है अपने स्टोरेज कितनी वो अपनी है, यानी कि जितनी आप उसको अडोप्ट करना चाहते हैं। मैं 100% रखता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो है मोबाइल वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें रिस्टार्ट के बाद आपके पास दोबारा ये एप्लीकेशन ओपन होगी। आपने जो है स्टोरेज में जाना है और दोबारा अडोप्टेबल स्टोरेज पर क्लिक करना है, और यहाँ से इमीग्रेट पर आपने जाना है। ये देखें इमीग्रेट डेटा पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपने इंटरनल एसडी कार्ड, ये देखें 42 GB। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया। अगर आपको समझ लग गई होगी कि आपने सैमसंग मोबाइल में अडोप्टेबल स्टोरेज को कैसे इनेबल करना है और उसकी स्टोरेज जो है वो उसको कम ज़्यादा आप कैसे डाउन यानी कि कर सकते हो अप डाउन वगैरह, तो अगर वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, और technicalmickey.com को विज़िट करते रहिएगा। ये जो ऐप मैंने यूज़ की है रूट एसेंशियल्स के नाम से, वो एप्लीकेशन भी मैं इस पर अपने डाउनलोड का जो लिंक है उसका वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।